हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। और बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीच इज ए मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। सो कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो 50 मीटर है और मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है वो बच्चों 10 मीटर है। तो हमें बच्चों ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मैंने कंसीडर किया कि इनिशियल वेलोसिटी बी यू एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी थीटा। तो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला हमारा है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और बच्चों, हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है दैट इज द एच मैक्स दैट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूले बच्चों मैंने ड्राइव आपके लिए किए ही थे। सो बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ रेंज को, अगर मैं इसको साइन 2 थीटा को ओपन करूँ, सो दिस इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है रेंज आपकी 50 मीटर है। सो आर इक्वल टू 50 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल सो दैट इक्वल टू 10 मीटर। तो बच्चों, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया और कंसीडर किया कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों, मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो बच्चों, यहाँ से आएगा आपका एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज। सो बच्चों, आप लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बच्चों, हम मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज द 10 और रेंज जो है आपकी दैट इज द 50। और बच्चों, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको लिख सकते हैं हम बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो बच्चों जी से आपका जी कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से आपका यू स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पर। और बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर से सॉरी यहाँ से साइन थीटा से आपका ये स्क्वायर कैंसिल होगा। तो बच्चों, ये जो होगा आपका दैट इज द 1/5 दैट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बच्चों जो सिंप्लीफाई होकर टर्म बचेंगे दिस इज द 4, सो दिस इज द 1/4। ऊपर बचेगा बच्चों आपका साइन थीटा और जो नीचे टर्म बचेगा दैट इज द कॉस थीटा। सो बच्चों, दिस इज द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो बच्चों, लिख सकते हैं हम 1/4 10 थीटा दैट इक्वल टू 1/5। तो बच्चों, यहां से लिख सकते हैं हम 10 थीटा दैट इक्वल टू 5/4। बच्चों, अभी आपने मैथमेटिक्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो आप बच्चों अपने आंसर को सही पर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 10 inverse 4/5। सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों।